एक चिकित्सक के जीवन में अध्यात्म का बहुत बड़ा महत्व है। आप देखते होंगे कि जिस तरह का जीवन है चिकित्सक का, उसमें वो बहुत बिजी रहता है, सुबह से शाम तक पेशेंट्स को देखते रहता है। बाहर के अगर आप चिकित्सक देखेंगे, डॉक्टर्स देखेंगे, तो सुबह से लेकर रात तक कभी ओपीडी देखना होता है, फिर उनके वार्ड्स के पेशेंट्स देखने होते हैं, आईसीयू के पेशेंट्स देखने होते हैं। तो उनकी जो दिनचर्या है वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं उसमें। और इस तरह के जीवन जो वो गुजारते हैं, उसमें उनके अपने लिए उनके पास समय नहीं रहता, उनके अपने परिवार के लिए समय नहीं रहता है। तो मैं अपने जीवन के बारे में ये कहूँगा कि चिकित्सक बनने से पहले से ही मेरे जीवन में ये था कि मुझे विश्व के जितने लोग हैं उन सब की सेवा करनी है। जैसे कि कहा जाता है ना, बचपन में हम जो भी चीज़ देख लेते हैं या सुन लेते हैं, उसका बाल मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो मुझे याद है कि कभी मैं कहीं जा रहा था और एक बार कहीं पढ़ लिया, विवेकानंद जी ने कहीं लिखा था कि दे ओनली लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। मतलब केवल वही लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो तभी से मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं सबकी बहुत सेवा करूँ, अपने लिए मेरा जीवन ना हो बल्कि मेरा जीवन दूसरों के लिए हो। और यहाँ तक कि जबकि मुझे याद है कि मैं मेरे पिताजी के साथ नागपुर में जब मेडिकल कॉलेज के एडमिशन लेने गया था, तो एक तरफ एडमिशन की प्रोसीजर चालू थी और अचानक घूमते घूमते मैं हॉस्पिटल में चला गया। और हॉस्पिटल में जब गया नागपुर में, तो देखा वहाँ पर एक वार्ड में इतने सारे पेशेंट्स और इतना उनका वो जो दुख का जो दृश्य मुझे दिखा, जी उसका मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और तभी से मैंने ये सोच लिया कि मुझे अपने जीवन को इन मरीजों के लिए समर्पण करना है। जैसे कि मैं अभी डॉक्टर बना नहीं हूँ, फिर तो डॉक्टर बना और उसके बाद में मैं कहूँगा कि एक भगवान कौन है, ये जानने की खोज मेरे जीवन में बचपन से थी जी और वो खोज बहुत तीव्र हो गई उसके बाद, तो और ज़्यादा तीव्र हो गई। मैंने इस संस्थान से जुड़ने से पहले बहुत अन्य कई कई संस्थानों में मैं गया, बहुत सारे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट्स में मैं गया, जी और वहाँ से ही मेरे मन में जैसे कि वो अध्यात्म का बीज था। जी और फिर जब जैसे डॉक्टर बना, तो मैंने देखा कि ये स्पिरिचुअलिटी और मेरा जो प्रोफेशन है, इसमें तो मैं सोचूंगा कि इसमें बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। और इससे ही मतलब ऐसा है कि जो मरीज जो आता है उसका हम में बहुत विश्वास बैठ जाता है। ये एक, क्योंकि देर इज समथिंग नोन एज लॉ ऑफ फेथ, लॉ ऑफ हीलिंग। जी पेशेंट उसी से ठीक होता है जिसके ऊपर उसका विश्वास है। बिल्कुल आपने सुना होगा फेथ हीलिंग, जो गांव में झाड़ फूक करने वाले भी ठीक कर देते। कैसे ठीक करते हैं वो? ऐसा अगर कहीं है जी साइंटिफिक रीति देखा जाए तो उसमें तो कुछ है नहीं खास, फिर भी लोग उससे ठीक होते हैं। जी जैसे आपने बाइबल का उदाहरण सुना होगा कि जीसस क्राइस्ट आया है, उसके सामने एक अंधा व्यक्ति है, वो पूछता है उससे कि डू यू बिलीव दैट आई कैन क्योर यू, क्या तुम्हें विश्वास है मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ? वो अंधा व्यक्ति कहता है कि यस लॉर्ड, आई बिलीव दैट यू कैन क्योर मी। और वो कहता है कि बी दाउ हील्ड, कि तुम्हारा, और उसको बाद में वो कहता भी है कि तुम्हारे विश्वास ने ही तुम्हें ठीक किया है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हीलिंग पावर पेशेंट्स के अंदर ही है। जी डॉक्टर कोई हीलिंग नहीं कर रहा है, वो पेशेंट खुद ही हील होता है अपनी ही मन की शक्ति से, परंतु हम उस शक्ति को जागृत करते हैं। जब भी कोई मरीज आता है हाँ तो जी वो अपने दुख दर्द लेकर आता है जी डॉक्टर्स के पास, तो जैसे कि उसमें एक निगेटिव एनर्जी होती है, जैसे उसमें दुख और दर्द की एनर्जी होती है, वो अपनी दुविधाएं, अपना दुख सब कुछ लेकर आता है। वो केवल एक शारीरिक रीति से ही बीमार नहीं होता, बल्कि वो मानसिक रीति से भी बीमार होता है। ऐसे ही कई मरीज हमारे पास आते हैं जिन्होंने तो ऐसे सोच रखा है कि जब ये ऐसी उनकी बीमारी कभी ठीक ही नहीं होगी, जी जैसे उनके मन में ये बैठ चुका है। पर जब हम हमारे पास आते हैं और हम उसको अध्यात्म के बारे में बताते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसके बाद में उसमें एक नई नया उमंग, नया उत्साह जागृत होता है, जी उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो इस तरह मैंने देखा है कि आध्यात्मिकता का एक मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। और खासकर मैं तो अपने लिए कहूँगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ये मेडिकल प्रोफेशन संसार का, मैं कहूँगा, सबसे बेस्ट प्रोफेशन है अगर उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ दिया जाए तो। क्योंकि कहते हैं कि डॉक्टर तो नेक्स्ट टू गॉड मानते हैं उसे, जी तो जी जैसा वो लोग मानते हैं उसी तरह हमें जीना है। और इसके लिए आध्यात्मिकता का मेरे जीवन में, मैं तो कहूँगा, सर्वोच्च सर्वोपरि महत्व है। क्या बात है, आपकी बातों में पीड़ित मानवता के प्रति संवेदनाएं हैं तो विश्व कल्याण के प्रति शुभ भावनाएं भी समाई हुई हैं। परंतु जैसे आपने ब्रह्मा कुमारी से जुड़ करके अपना जीवन सफल बनाया है, बहुत सारे लोग हैं जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना चाहते हैं लेकिन खान पान संबंधित कुछ कठिनाइयों के कारण इस संस्था में आने से हिचकिचाते हैं।
क्या वाकई में खान पान का ये परहेज आवश्यक है? जी देखिए, हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की, तो अध्यात्म का तो लक्ष्य ही है सेल्फ प्यूरिफिकेशन। आपने सुना होगा, कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। हाँ जी। और आज तो हेल्थ इंडस्ट्री भी इस चीज को मानती है कि यू आर व्हाट यू ईट। जी। तो फूड जो है, इसका मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि जैसे किसी डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है और वो अपनी बीमारी को बताता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ लिख कर देता है, साथ ही साथ कुछ परहेज भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, डॉक्टर के पास आता है, फिजिशियन के पास आता है, डॉक्टर उसको कुछ दवाइयाँ लिख के देता है, साथ साथ कुछ परहेज भी कहता है कि भैया आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, आपको डेली वॉकिंग करना है, आपको एक्सरसाइज करना है। अगर वो मरीज वो दवाइयों के साथ साथ उस परहेज को भी फॉलो करता है तो उसकी शुगर ज़्यादा कंट्रोल में होगी, उसका सेहत अच्छा होगा, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन के जो उसको चांसेस है वो कम रहेंगे उसके। अगर कोई दूसरा मरीज है कि जो कि परहेज नहीं करता, खाली दवाई खाता है बस, पर परहेज नहीं करता, तो ये नेचुरल सी बात है कि उसकी जो हेल्थ है उसमें बीच बीच में बहुत हलचल होगी, बहुत गड़बड़ होगी, बार बार हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो ये संस्था में भी जो भी यहाँ आते हैं, अगर आप देखें तो स्वास्थ्य जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य को परिभाषित करता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो इस रीति से अगर देखा जाए तो इस दुनिया में कोई भी संपूर्ण स्वास्थ्य किसी के पास भी नहीं है, और हमारा जो यूनिवर्सिटी है ये एक हॉस्पिटल भी है, जो भी यहाँ व्यक्ति आते हैं उनका यहाँ पे पूर्ण स्वस्थ होने का लक्ष्य है। तो इसके लिए उनको ये जो परहेज है, ये जो खान पान है, तो ये परहेज है, इसके लिए जरूरी है। आपने एक पेशेंट का उदाहरण दिया और अभी अभी आपने बताया कि ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी एक हॉस्पिटल भी है, तो इस संस्था में आने वाले क्या किसी किस्म के बीमार हैं? जी, मैं आपको यही कह रहा था कि हेल्थ जो है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य केवल फिजिकल हेल्थ नहीं है, स्वास्थ्य इज देयर इज नॉट जस्ट वन डायमेंशन। आज तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मानता है कि इसके देयर आर फोर डायमेंशन। पहला है शारीरिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है सामाजिक, और चौथा है आध्यात्मिक। केवल कोई रोग न होना अर्थात स्वास्थ्य होना नहीं है। भले कोई बहुत अच्छा है जिसको कोई बीमारी नहीं है, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, बट डज दैट मीन दैट ही इज मेंटली स्टेबल? चलो मेंटली भी स्टेबल है, व्हाट इज हिज सोशल इंटरेक्शन, इज ही सोशली हेल्थ हेल्दी? और सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्पिरिचुअलिटी। ये सब होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि आज दुनिया में दुख है, अशांति है, हमारे पास इतने सारे साधन है, परंतु फिर भी व्यक्ति खुश नहीं है अंदर से। जो खुशी है वो एक जैसे कि एक दिखावा है, अंदरूनी खुशी जिसको कहते हैं वो कहीं ना कहीं इज अ मिसिंग लिंक। जी। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इन द इंस्टीट्यूशन इज दैट दिस स्पिरिचुअलिटी इज अ प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, इट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, कि वी टीच द सोल्स टू बी सोल कॉन्शियस।